मंच पर भी सुरक्षाकर्मी से कार्यकर्ताओं ने झड़प की है। मंच से कार्यकर्ताओं को समझाते रहे नेता, दावेदारी के चक्कर में आयोजन स्थल जो है वो अखाड़ा बन गया। पाटन में आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता सामने आई है। दावेदारों के समर्थकों ने सभा में जमकर नारेबाजी की है। पाटन से टिकट के लिए दावेदारी के लिए समर्थकों ने नारे भी लगाए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कमलनाथ की सभा में किस तरीके से झूमा झटकी हुई, टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने यहां पर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता यहां पर सामने आई है। चलिए अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता की तस्वीरें ये कोई नई नहीं है, पहले भी ऐसे तस्वीरें सामने आई हैं और एक बार फिर से वो भी कमलनाथ के सामने यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तस्वीरें पहली बार नहीं हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब जब भी इकट्ठे होते हैं तब तब इस तरह की तस्वीरें अमूमन निकलकर सामने आती हैं। जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र में जब आज कमलनाथ वहां पर पहुंचे और वहां के मंच पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई जहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार था। न कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन नजर आया और ना ही नेताओं के बीच अनुशासन नजर आया। यहाँ तक कि मंच पर जब कमलनाथ मौजूद थे उस समय भी कमलनाथ से मिलने के लिए और दावेदारी पेश करने के लिए लोग सुरक्षा कर्मियों से तक भिड़ गए और यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं जब हम मंच के सामने नजर डालते हैं तो एक तरफ जहाँ बीजेपी कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बात कहती है कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के बीच देखा तो जो एक ही सभा स्थल पर चार चार पांच पांच दावेदारों के जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मंडल अध्यक्षों की के साथ कमलनाथ बैठक कर रहे थे उसी दौरान इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती, तो निश्चित तौर पर इस बात में सवाल खड़े हुए। बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आती है। भले ही दावे किए जाते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन जब कार्यकर्ता एक मंच पर आते हैं तो किस तरीके से आपस में भिड़ते हैं वो हम दिखा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।